सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ ना मतलब सर्दियों में बहुत ही काम आने वाली एक घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। और आजकल सर्दियों का मौसम है ना, और सर्दियों के मौसम में पता क्या होता है, ज़्यादातर हाथ फट जाते हैं, पैर फट जाते हैं, यहाँ तक कि मुंह भी फट जाता है ठंड की वजह से। तो इस सब के लिए हमें जो मतलब घरेलू नुस्खा उपयोग में लाना होता है ना, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि वो क्या घरेलू नुस्खा होता है। और बहुत ही कारगर नुस्खा है, पर मैं एक नहीं दो नहीं मैं आप लोगों के साथ ना तीन तीन नुस्खे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू कि क्या क्या नुस्खे हैं वो तीन। और ये तो मैं आप लोगों के साथ नुस्खे शेयर करने वाली हूँ ना, तो इसमें से एक नुस्खा जो है तो वो मुझे गैस पर बनाना होगा, तो उसके लिए मुझे जाना होगा रसोई में। तो चलिए चलते हैं रसोई में। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में, और अब मुझे ना यहाँ पे जो गैस पे नुस्खा बनाना है तो उसको दिखाती हूँ मैं सबसे पहले तो आपको। तो ये रही यहाँ पे हमारी मोमबत्ती, ये देखिए छोटे साइज की मोमबत्ती है ये, तो साइज का कुछ नहीं है, छोटे बड़े का कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ मोमबत्ती ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सरसों का तेल, ये देखिए। तो ये जो सरसों का तेल है ना, इसको मैं करूँगी गर्म। तो मैं इसको गर्म करने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ इस फ्राई पैन में। और अब मैं गैस को कर लूँगी ऑन, और ये फ्राई पैन में अब गैस पे रख रही हूँ, इस तेल को मैं गर्म करूँगी अच्छे से। और ये फ्राई पैन मुझे ना हाथ से ही पकड़ना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही तेल डाला हुआ है मैंने, तो ये यहाँ पे ठहर नहीं रहा है। इसके पीछे ये जो यहाँ पे हैंडल है ना, इसका वजन है पीछे को, तो ये गिरने लग गया है, तो तब मैं इसको ऐसे पकड़ करके ही रखूंगी। तो ये तेल हमारा गर्म हो गया है, और ये दो चम्मच है सिर्फ, ज्यादा नहीं मैंने डाला है। तो इस तेल में मैं ये मोमबत्ती डाल रही हूँ, तो तीन मोमबत्ती ली है मैंने, उनको डाल रही हूँ मैं। और ये मोमबत्ती हमारी ना तेल में अच्छे से पिघल रही है, तो ये देखिए अभी पिघल गई ये मेरे बोलते बोलते। तो अब मैं गैस को कर लूँगी बंद, और मोमबत्ती का जो धागा होता है ना, तो वो देखिए अलग हो गया है वो धागा। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो तेल है ना, इसको वापस निकाल लूँगी इसी कटोरी में। और वो धागा हमारा ना यहाँ पे रह गया फिर से फ्राई पैन में। तो लीजिए भाई, एक घरेलू नुस्खा तो हमारा बन के ये तैयार हो गया है। बाकी जो दो नुस्खे दिखाने वाली हूँ मैं आपको ना, तो अब मैं इन तीनों को आपको बाहर ही दिखाऊंगी इकट्ठा करके। तो अभी चलिए फिर से चलते हैं बाहर। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, और अब मैं दिखाऊंगी आपको कि अब मुझे जो दो नुस्खे और है ना बनाने को, तो उनको मैं कैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने जो अंदर से अभी तेल बना करके लाया है ना मोमबत्ती वाला, इस कटोरी में तो रहा वो वाला तेल। और यहाँ पे ये जो दूसरी कटोरी है ना, तो इसमें मैंने ना एक चम्मच दही का लिया हुआ है, और ये दही का नहीं मतलब दही के ऊपर जो मलाई होती है, तो ये मलाई का चम्मच लिया हुआ है मैंने। और ये मतलब हमारे घर में अपने तो होता ही है दूध दही, तो जब भी थोड़ी सी हमारी दही जम जाती है, तो उसमें से मतलब जो ऊपर मलाई बनी होती है जमी होती है ना, उसको निकाल लिया है मैंने, थोड़ी सी निकाली है एक चम्मच, क्योंकि हमने कितनी लगानी है, मैं और हरदीप दो ही हैं घर में, तो तब मैंने बोला चलो इतनी काफ़ी है। और यहाँ पे मैंने ली हुई है एलोवेरा, और यहाँ पे हमारे नींबू है, तो नींबू भी हमारे अपने हैं ताज़े ताज़े पेड़ पर चलाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना एक नींबू काटूँगी, तो नींबू को भी मैंने काट लिया है, और एक ही पीस लिया हुआ है मैंने नींबू का। तो ये नींबू मैं यहाँ पर निचोड़ रही हूँ इस मलाई में, ये देखिए इस तरह से निचोड़ा मैंने, और थोड़ा सा ही लगेगा, ये ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें काफ़ी रस है, तो मैंने आधा ही निकाला है, थोड़ा सा मैंने रहने दिया इसको। और इसको ना अच्छे से मिक्स करना है, इस मलाई को और ये जो नींबू का रस डाला है मैंने, इस तरह से इसको अच्छे से फेंटना है। और इस तरह फेंटने के बाद ये हमारा ना दूसरा नुस्खा तैयार हो गया है पूरी तरह से, ये देखिए। तो अभी इसको भी रख लेते हैं थाली में, और यहाँ पे ये जो हमारी एलोवेरा है ना, तो इसको भी यहाँ पे थाली में रख लेते हैं पहले तो। पर मैं इसका ना आपको उपयोग बताऊंगी कि इसको लगाना किस तरह से है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि गर्म पानी से पैर धोने हैं अच्छे से। तो चलिए पहले वो वाला मतलब प्रोसेस भी आपको दिखाई लेती हूँ। तो मुझे पहले गर्म पानी लाना है, यहाँ पे मैं गर्म पानी लेके आई हूँ, और ये जो नींबू बचा था ना थोड़ा सा, इसको निचोड़ लूंगी मैं यहाँ पे।
और इन्हें मुँह भी डाल दिया मैंने, इसका क्या करना, हमने खाना तो है नहीं इसको। और यहाँ पे मैंने साबुन भी दिया हुआ है, तो अब मुझे क्या करना है कि पैर धोने हैं, मतलब अच्छे से पैर में जो भी मैल लगा हुआ होगा ना उसको निकालना है अच्छे से। और आजकल सर्दियों में वैसे पैर तो फटते ही हैं सभी के, हमारे तो बहुत ज़्यादा फटते हैं क्योंकि हम तो मतलब रोज धूल मिट्टी में पड़े रहते हैं, और हमारा तो यहाँ पे घर भी अभी कच्चा है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी धूल है, तो जब पक्का हो जाएगा तब तो उतनी ज़्यादा धूल नहीं रहेगी, लेकिन अभी धूल है यहाँ पे काफ़ी सारी, तो तब हमारे यहाँ पे धूल की वजह से बहुत सारी एड़ियाँ फटी हुई होती हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैंने लिया हुआ है, इसको बोलते हैं झामा मिट्टी का है ये, तो ये स्पेशल पैर धोने के लिए होता है, तो इससे ना पैर रगड़ने हैं अच्छे से मुझे, और जो भी पैरों में मिट्टी वगैरह लगी होगी उनको अच्छे से बिल्कुल साफ कर लेना है ऐसे रगड़ रगड़ करके। अगर ये मिट्टी का झामा ना भी हो ना घर में, तो पत्थर भी होते हैं, मतलब छोटा सा पत्थर लिया है कुछ पत्थर से रगड़ लिया तो उससे पैरों का जो मैल होगा ना वो सारा निकल जाएगा। तो पैरों को मैंने अच्छे से धो लिए हैं और साफ पानी से भी धो लिया ऊपर से, और अब ना मुझे पहले तो पैर सुखा लेने हैं अपने। तो जब तक मैंने हाथ पैर धोए ना और सुखाए, तो उतने को यहाँ पे ये जो मैंने पहला नुस्खा तैयार किया हुआ था ना मोमबत्ती वाला, तो ये तो थोड़ा सा जम गया है, तो ये जम जाता है, ये तो मोम ही होता है एक तरह से, पर इसका क्या होता है ना कि इसको मतलब जब भी लगाना होता है तो इसको गर्म करेंगे, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा सा है नीचे ये देखिए, तो मैं इसको ना इस तरह से ही लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है ये मोम, और इसको मैंने यहाँ पर लगाऊँगी, तो मेरी तो एड़ियाँ ना काफ़ी सारी फटी हुई है, इसको ऐसे अच्छे से लगा लेना है, और दो तीन दिनों में ना फटी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती है इसको लगाने से। और यहाँ पर ये जो मलाई ली हुई है ना मैंने यहाँ पे देखिए, इसको मैंने नींबू डाल करके बनाया हुआ है, तो इसको भी मैं आपको बताती हूँ, मतलब तीनों बता दूँगी मैं आपको लगा करके। तो यहाँ पे ये भी ले ली है मैंने थोड़ी सी, और इसको हाथ में लगा लो, मुंह में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, पैरों में लगा लो, तो मतलब बिल्कुल सेफ रहते हैं हाथ पैर इससे, और जो फटे हुए होते हैं ना वो भी ठीक हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो पैरों में भी लगा लूँगी मैं। तो ये दोनों तो मैंने आपको ना लगा करके दिखा दिए, वैसे अभी दिखाने के लिए लगा रही हूँ मैं ये दोनों, वैसे तो एक एक लगानी है अकेले, ऐसे नहीं है कि सभी को इकट्ठे लगाना है, पर ये मैंने बनाए हुए हैं तो मैंने बोला कि चलो आपको ना दिखा भी देती हूँ लगा करके, नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं ऐसे ही बोला है। और यहाँ पे ये रही हमारी एलोवेरा, तो ये जो हमारी एलोवेरा है ना ये तो बहुत ही काम की चीज़ होती है, इसको तो सभी जानती हैं, और इसको मैं ना खाती भी हूँ अंदर में, इसकी जो गिरी होती है ना तो ये खाने के काम भी आती है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो जेल होता है ना, प्योर जेल होता है ये, तो ये जेल तो मैं लगाती रहती हूँ हर बार ही, अपने मुंह पे भी लगाती हूँ मैं, तो इस तरह से इसका लेप करना है हाथों में भी और पैरों में भी, जहाँ पे कि हमारी एड़ियाँ फटी हुई होती है ना वहाँ पे इसका मतलब ऐसे लगा लेंगे लेप इस जेल का। तो मैं तो इसको चेहरे पे भी लगाती हूँ ऐसे, क्योंकि इससे ना चेहरे में एक अलग ही चमक आती है, और मतलब कोई क्रीम पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, मैं बहुत ही कम लगाती हूँ क्रीम पाउडर, और ब्यूटी पार्लर तो मैं बहुत ही कम जाती हूँ, मतलब बहुत ही कम, तो इस तरह से लगाती हूँ मैं इसको, और इससे भी मतलब इतना जल्दी आराम मिलता है, हाथ फटे हो, पैर फटे हो, मुंह फटा हो तो एकदम साफ हो जाते हैं, मतलब तीन चार दिनों में आपको फर्क देखने को मिल जाएगा अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो, या हो सकता है आप लोग यूज़ करते होंगे पहले भी। और ये तीनों घरेलू नुस्खे जो है ना, तो ये बहुत ही कारगर नुस्खे हैं, मतलब आप लोग ना ट्राई करके ज़रूर देखना अगर आपने ट्राई नहीं किया होगा कभी तो। तो ये तीनों बता दिए मैंने आप लोगों को, तो ये देखिए कैसे लगे आपको मेरे ये घरेलू नुस्खे। और कई बार क्या होता है कि मतलब हम लोग ना बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट लाते हैं फटी एड़ियों के लिए, या मुंह फटा हुआ होता है या हाथ फटे हुए होते हैं, तो उसके लिए सच में लाते हैं बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट। तो वैसे मैं तो नहीं कभी लाई हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं तो इन्हीं का यूज़ करती हूँ, तो ये तो मतलब फ्री के समझो आप, तो दही हमारी मलाई दही का इनाम आता है मुझे बार बार, तो ये मलाई भी हमारी फ्री की है, और तेल भी घर में पड़ा ही होता है सबके, मोमबत्ती भी, और ये भी अपनी उगाई हुई होती है ना, तो मतलब ये बिल्कुल फ्री का प्रोडक्ट हुआ ना एक तरह का, और कामयाब भी होता है ये, बहुत अच्छा फ़ायदा देता है ये। तो ये था मेरा घरेलू नुस्खा, और वो भी एक नहीं तीन तीन, तो कैसे लगा आपको मेरा ये घरेलू नुस्खा मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके, और ट्राई भी ज़रूर करना अगर आपने ट्राई नहीं किया होगा तो। और इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।